Very good evening, guys. Welcome to the Resha Maya's Academy's YouTube channel. So as you can see, we have this article from The Hindu, and it's a very interesting article, guys, regarding Alzheimer's. Dono ne kaha hai ki a trial to test a new path for preventing Alzheimer's. देखिए, इस आर्टिकल के अंदर बात जो हुई है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में हुई है, जो हमारे ब्रेन के अंदर रहता है नॉर्मल सिनेरियोज में. उन्होंने एक बहुत कॉमन सी बात आपको बताई. सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डिमेंशिया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक डेटा के मुताबिक उन्होंने बोला कि दुनिया में 55 मिलियन लोग हैं जो डिमेंशिया से पीड़ित हैं, जो कि बहुत कॉमन कॉज है अल्जीमर्स के लिए. और फिर आगे पार्किंसंस डिसीज़ हैं, या फिर और भी हमारे कई साइटोटॉक्सिसिटी के रिगार्डिंग जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेंटल. तो उन्होंने कहा कि जो कॉग्निटिव डिक्लाइन देखा गया है हमारे पेशेंट्स के अंदर, अल्जीमर पेशेंट्स के अंदर, उन्होंने पहले तो कई डोजेस के बारे में, दवाइयों के बारे में बात की है, जैसे डोनानिमैब है, या फिर आपके पास एक एड्यूकान्यूमैब है या लीकानिमैब है. ये कुछ दवाइयां हैं इस आर्टिकल के अंदर, जब आपको पता चलेगा. तो उन्होंने कहा कि इनके यूजेज से ना कई फेटल रिस्पॉन्सेज हमारे सामने आए, जैसे कॉग्निटिव ब्लीडिंग शुरू हो गई और दो या तीन लोगों की तो डेथ भी हुई. पर इस आर्टिकल के अंदर जो स्टडी हुई है, उन्होंने ये पाया है कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो एंजाइम्स होते हैं, और जो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो लेवल है हमारे बॉडी के अंदर, अगर वो बैलेंस में रहे, कहने का मतलब कि अगर ऑक्सीडेटिव जो हैं और जो उसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स जो बॉडी में होने चाहिए, तो अगर वो दोनों बैलेंस में रहें, या यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ी तादाद में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बिल्डअप ना हो, तो बॉडी हेल्दी रहती है. तो इस आर्टिकल के अंदर वो यही बताना चाह रहे हैं कि अगर एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, जो इन्होंने पर्टिकुलरली जिसके बारे में बात की है, दैट इज़ ग्लूटाथियोन, तो उन्होंने बताया कि अगर उसका बिल्डअप हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो ऑब्वियस है कि मतलब वो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारा नहीं डिवेलप होगा. पर कारण यही है कि अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव बिल्डअप हमारे बॉडी के अंदर होगा और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास कोई एंटीऑक्सीडेटिव एंजाइम नहीं है, मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है बाहर से. इन्होंने फिर ये भी बताया कि एक क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ये स्टडी करेंगे कि 500 mg की डोजेस या ओरल वे में अगर ग्लूटाथियोन दिया जाए पेशेंट्स को, अल्जीमर पेशेंट्स को, तो यही देखने के लिए वो डिटर्मिन करना चाहते हैं कि क्या एक्सटर्नली एडेड जो ग्लूटाथियोन है, वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स, क्या वो काम करेगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के खिलाफ. पर जो प्रॉब्लम उन्होंने बताई है आज की डेट में, जो हमारे माइंड में डेवलप होती है अलोंग विद द ऑक्सीडेटिव बिल्डअप या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो चलो है ही है. एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, एमायलॉयड प्लेक. एक प्रोटीन है एमायलॉयड का, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाता है जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीज होता है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है और ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो आपके डिटीरियोरेट होने लग जाते हैं. तो यही इस आर्टिकल के अंदर बताया है उन्होंने कि कैसे एंटीऑक्सीडेटिव जो हमारे एंजाइम्स हैं, खास करके ग्लूटाथियोन की बात उन्होंने की, कि उसका ट्रायल होगा. अब टेस्ट किया जाएगा कि क्या उसको देने से अल्जीमर के अंदर कोई, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू क्या लिया जा सकता है, या फिर हम कुछ अचीव कर सकते हैं कि हम सेट कर सकते हैं अल्जीमर्स को या कम कर सकते हैं. हालांकि इस आर्टिकल के अंदर लास्ट में उन्होंने बताया है कि अगर एमायलॉयड प्लेक आपकी एक बार हो जाए, या जिस कदर मतलब टॉक्सिसिटी का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो इरिवर्सिबल है. पर चलो, बहुत हद तक लाइफ के प्रॉस्पेक्ट्स को सुधारा जा सकता है अगर हम इस नतीजे पे पहुँचे, या हमारा ट्रायल अगर ये सक्सेसफुल हो कि कैसे ग्लूटाथियोन एंटीऑक्सीडेटिव एंजाइम जो है वो ऑक्सीडेटिव बिल्डअप को टैकल कर सकता है. सो दिस इज समथिंग वी हैव बाय दिस आर्टिकल, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल गाइज. इट विल गिव यू अ लॉट मोर इनसाइट्स इनटू दिस होल, यू नो, न्यूरोडीजेनरेटिव डिसीज कॉल्ड दिस अल्जीमर्स एंड पार्किंसंस एंड डिमेंशिया, जो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हैं हमारे लिए. तो इनके बारे में देखिएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वेल, एज यूजुअल गाइज, यू नो,
कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी लाइक कर सकते हो वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा गाइज आगे से आगे। अपना फीडबैक भी ज़रूर आप हमें कमेंट के ज़रिए अपना बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।